सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी में बुरा वक्त का आना भी जरूरी है, तभी तो हमें अपने और पराये का पता चलता है। दुनिया को छोड़ो, पहले उसे खुश रखो जिसको तुम रोजाना आईने में देखते हो। कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, ये दिल आवारा था। कहाँ आ गए हम इस समझदारी के दलदल में, वो नादान बचपन भी कितना प्यारा था। आज का पंचांग 5 फरवरी 2021, दिन शुक्रवार, माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, सुबह 10:07 तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र शाम 6:28 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:35 से 11:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:17 से 1:01 तक रहेगा। इसके उपरांत आज चंद्रमा तुला राशि पर दोपहर 12:46 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगी। अच्छा, आपका काम जांच के अधीन है, लेकिन आपने परीक्षा पास कर ली है। अपनी कड़ी मेहनत के फल का आनंद लें। यश और पहचान सब कुछ आपका है। पदोन्नति या वेतन में वृद्धि की भी संभावना है। आपके लिए काम अभी भी इतना लाभ देने वाला नहीं रहा है। साक्षात्कार, वार्तालाप और चर्चाओं के लिए आज के दिन उपयुक्त है, क्योंकि सभी आपके विचारों की प्रशंसा करेंगे। सार्वजनिक रूप से आप अपने काम की स्वीकृति के कारण लोकप्रियता प्राप्त कर सकते हैं। अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। सफलता आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, इसीलिए चीजों को सकारात्मक रूप से देखें। इस राशि वालों के लिए आज के दिन व्यापार में धन संबंधित अड़चनों को दर्शाने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में पैसा फंसना या पेमेंट वसूली में देरी होने के कारण मानसिक तनाव बढ़ता हुआ दिखेगा। दंड या चालान आदि होने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। नौकरी पेशा वर्ग में कर्मचारी अपने काम के प्रति लापरवाह दिखेंगे। अधिकारियों द्वारा सख्ती की आवश्यकता देखी जाएगी। घर परिवार में छोटी मोटी बातों पर कहा सुनी भी हो सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, लोग आपको आज परेशान करने का प्रयास, लेकिन आज उनके षष्ठ यंत्र विफल होंगे। आज पैसों के लेन देन करते समय भी आपको सावधान रहना होगा, वरना बाद में आप पछता सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। यह बच्चों के लिए संकट का समय है, लेकिन थोड़ा सावधान रहने से हर संकट टल जाएगा। प्रेम संबंधों के लिए भी यह चरण अच्छा नहीं है। हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच कोई मतभेद हो, लेकिन एक दूसरे को थोड़ा समय देना आपके रोमांस के फूल को महका देगा। अपनी दोस्ती को मजबूत बनाने के लिए अब आप अधिक मेहनत करेंगे। आज आप रिश्ते को लेकर परेशान हो सकते हैं, या फिर आप यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपके लिए कौन उपयुक्त है। ऐसे में अपने दिल की सुने और सही निर्णय लें। अपने आत्मविश्वास को कम ना होने दें। आपका साथी स्वयं आपकी ओर आएगा। बात करते हैं करियर की। आप इस समय कार्यस्थल में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं और जल्द ही आपको वो मिलेगा जिसकी इच्छा आप कर रहे हैं। आपकी प्रबंधकीय क्षमता सबको आकर्षित कर रही है और इसका पुरस्कार भी जल्द ही मिलेगा। निवेश करने से पहले मार्केट की स्थिति को देख व जांच लें। किसी साक्षात्कार, वार्तालाप या चर्चा के लिए यह समय आपके लिए शुभ है। सतर्क रहें, आज कोई भी चीज आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। जीवन वास्तव में आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। चीजों को सकारात्मक रूप से देखें, क्योंकि आपके दिन का
अंध बेहतरीन है। बात करते हैं सेहत की। कोई छोटा सा तनाव भी आपको परेशान आज कर सकता है, उसे रोकने का तुरंत प्रयास करें, क्योंकि अगर यह परेशानी बढ़ेगी तो आपको ज्यादा कष्ट हो सकता है। आपकी नकारात्मक सोच भी आपकी अच्छे स्वास्थ्य प्राप्ति के मार्ग की बाधा बन सकती है। पूरा आराम करें और मनचाही क्रिया करें जो आपके शरीर और दिमाग को आराम दे। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी की पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।